हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे बच्चों आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्चर। तो बच्चों, एडो लॉन्चर पे आज हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इसके हिसाब से हमें चार तरीके के पॉलीमर्स देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने सोर्स के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, और फिर उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के हिसाब से वीडियोस अपलोड कर दी है। अब जाके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस के ऊपर कितने तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर्स, जैसे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका खिंचाव, उसकी टफनेस, इलास्टिसिटी, ये अलग अलग होती है और ये डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे कि रबर की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, तो इनकी कैटेगरीज बनाई गई है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से। चार कैटेगरी हो जाती है। सबसे पहली होती है इलास्टोमर्स। सेकंड कैटेगरी हो जाती है फाइबर्स। थर्ड कैटेगरी हो जाएगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड फोर्थ कैटेगरी हो जाएगी थर्मोप्लास्टिक। इन सब में डिफरेंस रहता है IMF का, इंटरमोलिकुलर फोर्स का। IMF का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, इनको हम वन बाय वन करके डिटेल में बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिस वजह से सब्सटेंस जो है वो स्ट्रेच होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स से, और एक्सटर्नल फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जो भी एक्सटर्नल फोर्स रहता है उसको क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो अपना शेप वापस से ले लेता है। मान लीजिए इस रबर को आपने लिया और इसको ऐसा लेके स्ट्रेच कर दिया, ऐसा किया, तो रबर वापस से कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा। जो आपने फोर्स लगाया इसमें, आपने जो इसका शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाया उसको बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग। और वापस से उसने जो फोर्स लगाया शेप को लेने के लिए उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स। जो हमने लगाया और उसने जो लगाया वापस से अपना शेप लाने के लिए उसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करता है अपना ओरिजिनल शेप जबकि हम फोर्स को रिलीज कर दे, ऐसे चीजों को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। इलास्टोमर ये इलास्टिक पॉलीमर्स हैं, और इनमें ये ध्यान रखिए वीक वैंडरवाल फोर्स रहता है, इनमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस रहते हैं। इलास्टोमर्स में वीक वैंडरवाल फोर्सेस रहते हैं, ये बात रटी होनी चाहिए आपको। टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि परमिट करते हैं उसको स्ट्रेच होने के लिए और वापस से रिस्टोर होने के लिए, कुछ ऐसे क्रॉसलिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं और वो क्रॉसलिंक्स ही हेल्प करते हैं उसमें वीक वेंट्रल फोर्सेस के लिए। इलास्टोमर्स के अंदर क्रॉसलिंक रहती है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस के बाद आ जाती है कभी कभी रबर्स में, वो हमेशा हेल्प करती है ताकि वो स्ट्रेच हो जाए और वापस से अपना पोजीशन ले सके। तो जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो आप दो रीजन से ध्यान रख सकते हो, वीक वेंट्रल फोर्सेस, और वीक वेंट्रल फोर्सेस कहाँ से आती है, क्रॉस लिंकिंग से, जो क्रॉस लिंकिंग होती है इलास्टोमर्स में। चार इलास्टोमर्स हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं पूरे इस हमारे सेशन में। पहला वाला जो नेचुरल रबर है जिसको हम बोलेंगे आइसोप्रीन, नेचुरल रबर आइसोप्रीन। देन सेकंड आर्टिफिशियल रबर जिसको हम कहेंगे नियोप्रीन। थर्ड हम पढ़ेंगे ब्यूना एस, एंड फोर्थ वाला ब्यूना एन। इन चार इलास्टोमर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने आगे के आने वाले क्लासेस में। ओके, इलास्टोमर्स होने के बाद में नेक्स्ट तरीके के जो पॉलीमर्स है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स वो है फाइबर्स। फाइबर्स ये थोड़े से स्ट्रांग रहते हैं, और फाइबर्स में जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं बार बार कि दो ही हिस्से आते हैं, पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीस्टर्स। ये सभी फाइबर्स ही है। पॉलीमरिक सॉलिड्स विच फॉर्म थ्रेड्स, सॉलिड्स जैसे कि जो थ्रेड्स फॉर्म करते हैं, धागे फॉर्म करते हैं, उनको हम फाइबर्स कहेंगे। फाइबर्स पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, इसमें टेंशन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम रस्सी वगैरह में भी इनको यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत भारी वेट अपने अंदर कैरी कर सकते हैं, लिफ्ट करवा सकते हैं। विच इज़ अ प्रॉपर्टी टू हैव रेजिस्टेंस ब्रेकिंग अंडर टेंशन, अगर हमने रस्सी के अंदर रस्सी को कितना भी टेंशन से बांध दिया, एक लिमिट तक कितना भी नहीं, तो हाई टेंशन वो प्रोवाइड करेगा विदाउट ब्रेकिंग। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ से आई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे बाबा, मिल गया मिल गया। तो फाइबर्स में कौन रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इलास्टोमर्स में कौन रहेगा? वीक वैंड्रवल फोर्सेस, वीक वैंड्रवल फोर्सेस। और साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस भी देखने को मिलते हैं। डायपोल डायपोल फोर्स को हम डेबीए फोर्स भी बोलेंगे, डेबीए फोर्सेस भी देखने को मिलते हैं। दोनों बातें सेम है, डेबीए या फिर डायपोल डायपोल। डेबीए ने फाइंड किया था इसलिए उसको डेबीए फोर्सेस भी बोलते हैं और डायपोल डायपोल बोलते हैं। ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फाइबर्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। फाइबर्स ये क्रिस्टलाइन रहेंगे, थोड़े चमकते हुए दिखेंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल जितने भी पॉलीअमाइड्स हैं और जितने भी पॉलीस्टर्स हैं वो सभी फाइबर कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर्स एज अगर हम कंपेयर करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, तो फाइबर्स ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इलास्टोमर्स से, क्योंकि इलास्टोमर्स में प्रेजेंट रहता है वीक वैंड्रवल फोर्स एंड फाइबर्स में प्रेजेंट रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। अब देखिए प्लास्टिसिटी क्या होगा। प्लास्टिसिटी हम तीन तरीके के मटेरियल तक देख चुके हैं, दो तरीके के देख चुके हैं। इलास्टोमर्स मतलब होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? इलास्टिक। अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने एक बार फोर्स लगाया और फोर्स हटा दिया, फोर्स लगाया और फोर्स हटा दिया, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स वो अपना साइज फिर से शेप फिर से ले लेगा, उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते। फिर हमने देखा रिजिड, और ये रिजिड कौन था? फाइबर्स। फाइबर्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब फोर्स लगाओगे अपना शेप और साइज बहुत समय तक ये चेंज ही नहीं करेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और बाद में फिर ये ब्रेक हो जाएंगे अगर एक लिमिट से ज़्यादा टेंशन आ गया तो। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि आप फोर्स लगाओ अपने घर के आसपास, घर पे जो भी प्लास्टिक होगी उसको लो और फोर्स लगाओ, और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? उसका शेप साइज चेंज। और फोर्स हटा दो, फोर्स रिमूव कर दो, तो रिमूव करने के बाद शेप साइज जो है वो रिगेन नहीं होगा, वापस से पहले जैसा नहीं होगा उस प्लास्टिक का। अगर आपने उस प्लास्टिक को फैला दिया तो वापस से पहले जैसा नहीं हो पाएगा, इसी प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये शेप हो सकता है, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और मोल्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। तो ये प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक जो है उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, और उसको गर्म करके पिघला के उसको फिर से रिसाइकल कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक। इसके बाद जो आने वाला है थर्मोसेटिक, वो यूज नहीं कर सकते। एक बार वो बन गया तो उसको आप हीट करोगे तो वो और हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होगा, इसलिए वो पोल्यूशन भी बहुत सारा, वेस्ट एक्यूमुलेट भी कर रहा है। दीज पॉलीमर्स पोजेसेस मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स। तो ये फाइबर्स से स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन इलास्टोमर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पे मिल चुका है कि सबसे स्ट्रॉन्ग अब तक कौन है? फाइबर। फिर फाइबर के बाद में है थर्मोप्लास्टिक्स, एंड थर्मोप्लास्टिक्स के बाद में है इलास्टोमर्स। सबसे वीक फोर्सेस इलास्टोमर्स भी, इलास्टोमर में रहते हैं कौन से? वैंडरवाल फोर्सेस, और यही इनको प्रोवाइड करते इलास्टिसिटी। ओके, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल्स, ये सभी थर्मोप्लास्टिक्स है जिसको आप अगर हीट देते हो तो पिघल जाएंगे, और फिर पिघलने के बाद में आप उनको रीयूज कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। नेक्स्ट तरीके का जो प्लास्टिक है वो है थर्मोसेटिक पॉलीमर, जो कि ज़्यादातर प्लास्टिक्स देखने को मिलते हैं। ये ऐसे रिजिड पॉलीमर्स है, रिजिड मतलब एक बार कठोर आपने शेप दे दिया, वो अपना कठोरता कभी लूज नहीं करेंगे, अपना शेप और साइज कभी लूज नहीं करेंगे। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप ऑन हीटिंग। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, जब वो बनते रहते हैं तब उनके पास प्रॉपर्टी रहती है कि आप शेप साइज सब कुछ दे दो एक बार, बट दे गेट हार्डन वाइल हॉट। जैसे जैसे बाद में इसको हम गर्म करेंगे और हार्ड होते जाएंगे। वंस हार्डेंड
दीज बिकम इनफ्यूजिबल, कैनॉट बी सॉफ्टन बाय हिटिंग एंड देयर फोर कैनॉट बी रिमोल्डेड. एक बार इसकी लिमिट खत्म खत्म, इसको बहुत गर्म कर दिया, बहुत गर्म कर दिया, अब एक टेम्परेचर के बाद में कभी भी अब आगे जाके ये इन्फ्यूजेबल रहेगा, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, ना ही ये पिघलेगा. तो हम उसको पिघलेगा नहीं, सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉलीथीन को हम हीट करके ही सॉफ्ट करते हैं. तो उसी तरह थर्मोसेटिक प्लास्टिक को भी हम हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं. कर सकते थे इसको, थर्मोप्लास्टिक को, इनको हम नहीं कर सकते. एंड देयर फोर कैनॉट बी रिमोल्डेड. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव. अब क्यों हुआ ये एक्सटेंसिव? बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग है कोवेलेंट बॉन्ड्स की. तो यहाँ प्रेजेंट रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रांग हो जाता. बहुत ज़्यादा अगर क्रॉस लिंकिंग रहती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की, तब भी जाके हमें हार्डनेस देखने को मिलेगी. ओके, फॉर्म इन द मोल्ड ड्यूरिंग हार्डनिंग सेटिंग प्रोसेस वाइल हॉट. जब ये गर्म होते रहेगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी और कोवेलेंट बॉन्ड्स फटाफट फटाफट बनने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन रेजिन, ये सभी एग्जाम्पल्स है इसके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के. ओके, क्लियर बच्चों? तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया पावरफुल? सबसे ज़्यादा हो गया सर थर्मोसेटिंग, फिर उसके बाद फाइबर्स, फिर उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक, और सबसे छुटका आ गया इलास्टोमस. ओके, क्लियर? कौन बात आसानी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से समझ की होगी. मिलते हैं अपने अगले